नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे आप सब दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं MTS की लेटेस्ट सैलरी स्लिप, जो कि MTS एम्प्लॉय की है, हमारे एक मित्र की है। सबसे पहले हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे साथ ये अपनी सैलरी स्लिप शेयर की। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो लाई थी जिसमें हमने बताया था कि आपकी फर्स्ट सैलरी MTS की कितनी होती है। उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि आपका HRA कितना होता है, आपका TADA कितना होता है, बाकी अलाउंसेस या बोनसेस आपके क्या होते हैं, जो कटौतियाँ होती हैं आपकी सैलरी में, ग्रोथ सैलरी में, वो कितनी होती हैं, और आपका नेट पे कितना होता है फर्स्ट सैलरी का। आज हम आपके लिए लेटेस्ट सैलरी स्लिप लेके आए हैं, जो कि है सितंबर 2020 की। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपकी सितंबर 2020 की, और ये सैलरी स्लिप है 2 साल की सर्विस के बाद। इनकी जॉब लगी थी सितंबर 2018 में, और 2 साल हो गए हैं अभी, सितंबर 2020, अभी अक्टूबर चल रहा है। तो ये सैलरी स्लिप है सितंबर 2020 की। इस सैलरी स्लिप में आप देख सकते हैं कि बेसिक पे जो है वो है 19,100, ये आपका 2 साल के इंक्रीमेंट के बाद है। पे लेवल वही आपका जो MTS का होता है, पे लेवल 1, यानी कि 18,000 से 56,900, मिनिमम 18,000 से 56,900 तक जाता है आपका ये पे लेवल। यानी कि अगर आप रेगुलर सर्विस करते हो MTS की जॉब में एक बार लगने के बाद, अप टू 33 ईयर्स ऑफ सर्विस और 60 ईयर ऑफ एज जो भी आपका बाद में आता है उसमें, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी कंटिन्यूस जॉब चलती है, आप कोई जॉब चेंज नहीं करते हो या आपका प्रमोशन नहीं होता है, इसी पे लेवल में रहते हो, इन केस अगर आप, ऐसे बहुत कम होता है आपका इंक्रीमेंट हो ही जाता है, प्रमोशन हो जाता है, लेकिन अगर आप इसी पे लेवल में रहते हो तो आपकी मैक्सिमम बेसिक पे जाती है 56,900। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आपका HRA होता है, और जो 24% XCT में 24%, Y में आपका 16%, और Z में 8%। हमने ये भी बताया था कि अगर ये परसेंटेज 24% आपके 5400 से कम हो तो आपको मिनिमम 5400 तो मिलेगा ही मिलेगा, और Y सिटी में अगर आपकी 3600 से कम हो तो आपको 3600 मिलेगा ज़रूर, और अगर आपकी जेड सिटी में 1800 से कम हो तो आपको 1800 मिनिमम ज़रूर मिलेगा HRA। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे HRA जो है, यहाँ पे जो HRA है वो 24% अभी इनका कम बन रहा है, इसलिए इनको मिल रहा है 5400 मिनिमम। जो इनका DA है वो इनका 17% ऑफ सैलरी, अभी 17% है, जब इनकी जो कि स्टार्टिंग थी, जो हमने पिछली सैलरी स्लिप शेयर की थी आपसे, दिखाई थी आपको कुछ दिन पहले, एक वीडियो बनाई थी, वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसका लिंक आपको नीचे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वीडियो की एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो DA है इनका 17% है, पहले इनका स्टार्टिंग में 9% था, तो DA इनका 17% होके 3247 रुपये हो गया, और ट्रांसफर अलाउंस इनका 1580 रुपये, और जो नेट सैलरी है इनकी वो है 26,852, ग्रोथ सैलरी जो है 29,327। यहाँ पे जो डिफरेंस आया है ग्रोथ सैलरी में और नेट सैलरी में, वो इस वजह से आया है कि आप पे कुछ डिडक्शंस होते हैं, आपके CGIESS आपके NPS स्कीम के तहत होता है, और आपका CGHS मतलब इंश्योरेंस स्कीम होती है गवर्नमेंट की, CGHS आपकी हेल्थ स्कीम होती है, और ये आपकी पेंशन स्कीम होती है, इसकी में आपका कटता है 10 से 12% के अराउंड आपका कटता है, और ये CGHS आपका नॉर्मली 250 रुपये कटता है हर मंथ। जो आपकी टोटल डिडक्शन हुई है XCT में आपकी हुई है 2515 के आसपास, 2 साल के इंक्रीमेंट के बाद, यानी कि जब आपका बेसिक पे हो जाए 19,100। फर्स्ट ईयर रहेगा आपका 18,000, दूसरे ईयर रहेगा आपका 18,000, पहले रहेगा 18,000, फिर 18,500, फिर आपका 19,100, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, और लास्ट में मैक्सिमम जो आपका जाएगा वन ईयर वाटर आपका 56,900 के अराउंड जाएगा। थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है एज़ पर योर सर्विस ईयर्स। ठीक, अभी बात करते हैं कि आपके बोनसेस होते हैं वो क्या रहते हैं, या आपको जो एक्स्ट्रा सैलरी से मिलता है बोनस कभी कभी, वो क्या मिलते हैं। हमने पहले ही बताया था कि आपको एक बोनस ज़रूर मिलता है साल में, वो होता है आपका ड्रेस बोनस, मतलब जो आपकी यूनिफॉर्म बोनस है, चाहे आपके डिपार्टमेंट में लग रही है या नहीं लग रही है, आपको पहन के जानी होती है या नहीं वो यूनिफॉर्म, आपको 5,000 का यूनिफॉर्म बोनस ज़रूर मिलेगा। एक बोनस तो यह हो गया आपका बोनस। दूसरा जो बोनस होता है आपका, वो होता है आपका दिवाली बोनस,
उन्होंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि दिवाली बोनस आपको दिवाली पे मिलता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है, आपके उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 6 मंथ की आपकी जॉब होनी होनी चाहिए। मान लो अभी आपकी जॉब लगती है 2021 में मार्च में लग जाती है, और मार्च में आपका फाइनेंशियल एंड हुआ, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो एंड हुआ मार्च में, और मार्च में आपकी 1 मंथ की सर्विस हो जाएगी, ना कि आपकी मार्च की स्टार्टिंग में लग गई है तो आपकी 1 मंथ की सर्विस होगी। लेकिन अगर आपकी 6 मंथ की होती, मान लो भी 2020 में आपका प्रोसेस हो जाता कंप्लीट और आपकी लग जाती है सेप्टेम्बर के अराउंड, तो आपकी 6 मंथ से ज़्यादा की हो जाती है जॉब, तो उस केस में आपका जो बोनस होता वो मिलता आपको 2021 की दिवाली पे। लेकिन अभी मिलेगा, जैसे 2021 में आपकी जॉब लगेगी वो नियर अबाउट लगेगी आपकी अप्रैल मई के अराउंड आपकी जॉइनिंग शुरू हो जाएंगी, तो जो आपका बोनस मिलेगा ये मिलेगा आपको 2022 की दिवाली पे जाके, वो मैक्सिमम रहता है आपका 6,000 के अराउंड, और जो भी जितने दिन की आपकी सर्विस रहती है पिछले दिनों में उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है, मैक्सिमम मिलता आपको 6,000 कुछ रुपये 6100 के आसपास। तो दोस्तों ये आपकी सैलरी स्लिप है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप है 2 साल के बाद की। एक बार हम पिछली सैलरी स्लिप भी दिखा देते हैं, जिन कैंडिडेट्स ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी या जिन व्यूवर्स ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए हम फिर से एक बार वो सैलरी स्लिप दिखा देते हैं, तो हम डिफरेंस भी बताएंगे आपको कितना आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो टोटल सैलरी है अक्टूबर 2018 की, और ये सैलरी स्लिप है 2018 सेप्टेम्बर की। जो फर्स्ट सैलरी स्लिप थी उसमें उन्होंने कुछ कम डे सर्विस की थी, जैसे मान लो उनकी ज्वाइनिंग होगी सेप्टेम्बर की मिड में, तो सेप्टेम्बर की मिड में होने की वजह से बेसिक पे तो 18,000 था ही, लेकिन जो फर्स्ट सैलरी में उसका ऑफिशियलेटिंग पे आया था वो आया था 10,200, वो कुछ कम दिन का आया था। इसमें इनका ड्रेस का भी बोनस है, HR भी 3,060 है, और DA वगैरह इन्होंने दिया है, ये इनका पूरा सैलरी स्लिप का कोडिंग है। और यहाँ पे इनकी जो फर्स्ट सैलरी जो पूरी सैलरी आई थी पूरा 1 महीना काम करके, जो कि इनकी अक्टूबर 2018 की, वो इनकी 24,270 रुपये नेट सैलरी XAT के लिए, और ग्रोथ सैलरी थी इनकी 26,492 रुपये। तो जो फर्स्ट सैलरी रहेगी आपकी, फिर से बता रहे हैं हम, फर्स्ट सैलरी रहेगी आपकी XAT में नियर अबाउट 26,000 के प्लस, और आपकी YCT में रहेगी वो आपकी रहेगी 24K प्लस, और आपकी जो ZCT में रहेगी वो आपकी 22K प्लस, जो आपकी ग्रोथ सैलरी रहेगी। जो नेट सैलरी होगी उसमें से आप इसमें से 2,000 के अराउंड काट सकते हैं, 2,200-2,300 के अराउंड काट के ये 24 हो जाएगी आपकी, ये आपकी 22 के अराउंड हो जाएगी, और ये आपकी 20 के अराउंड हो जाएगी डिफरेंट सिटीज़ के हिसाब से। और किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करो आपकी सैलरी यही रहने वाली है, याद चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, बस आपकी सिटीज़ का फ़र्क पड़ेगा आपका XCT, YCT, ZCT, XCT, YCT और ZCT। दोस्तों ये थी आपकी पुरानी पे स्लिप, और अभी जो हमने आपको शेयर की थी वो थी आपकी न्यू पे स्लिप। दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं एक बार कि दोनों में कितना फ़र्क है। ये देखिए आप, यहाँ पे जब स्टार्टिंग में आपकी सैलरी थी और जो आपकी अपडेटेड सैलरी है, स्टार्टिंग में जो आपकी सैलरी थी वो आपकी ग्रोथ सैलरी थी 26,492 रुपये, और अभी आपकी 29,327 रुपये इनकी, जो हमारे मित्र हैं इनकी 2 साल के इंक्रीमेंट के बाद, यानी कि 2 साल में लगभग आपका इंक्रीमेंट हुआ है ग्रोथ सैलरी में 3,000 के अराउंड आपका इंक्रीमेंट हुआ है, 2900 के अराउंड इंक्रीमेंट हुआ है, तो अप्रोक्स आपका 2 साल में इंक्रीमेंट हो जाएगा 3,000 के अराउंड 3K प्लस ग्रोथ सैलरी में XAT में, और वही YCT में आपका 2,500 से 3,000 के बीच में रहेगा, और आपका ZCT में 2,500 के अराउंड रहेगा। और आपका नेक्स्ट सैलरी में जो इंक्रीज़ आया है वो नियर अबाउट आया आपका 2.5K, यहाँ पहले थी इनकी 24,270 और अब हो गई है 26,812। तो जो नेट सैलरी में इंक्रीज़ आया है वो आया इनका लगभग 2,500 के अराउंड, 2.5K इनका इंक्रीज़ आया है। और जो आपका HRA परसेंटेज रहा वो हमने आपको बता दिया, DA का परसेंट है 17%, HRA आपका 24%, मिनिमम आपको 5,400, 3,600 और 1,800 जरूर मिलेगा आपके XYZ सिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो यही सभी सैलरी स्लिप्स थी। और अगर आपको इसको एक्सप्लेनेशन में देखते हैं जो आपकी सैलरी होती है वो कैसे कैसे कैलकुलेट होती है, तो हमने एक पहले भी वीडियो बनाई है, उसमें हमने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपकी सैलरी कैलकुलेट होती है, किस किस हिसाब से कैलकुलेट होती है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा।
और क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपको एमटीएस में काम मिलता है, क्या आपको टाइम मिलता है स्टडी के लिए या नहीं, क्या सोशल स्टेटस आपकी एमटीएस की जॉब का, क्या रेस्पेक्ट रहती है, वो सभी बातें भी हमने एक वीडियो में डिस्कस की है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है, सैलरी के रिगार्डिंग कोई डाउट है, या एमटीएस के जॉब के रिगार्डिंग कोई डाउट है, या किसी अदर जॉब के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई क्वेरीज हैं, या किसी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फेसबुक पर पूछ सकते हैं, ट्विटर पर पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। जहाँ पर भी आप अवेलेबल हैं, हमारी जगह अवेलेबल है इन चार प्लेटफॉर्म्स पर और यूट्यूब पर, आप हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, ये छोटी सी वीडियो, हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया आपका, आई होप सो, अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें बाकी कैंडिडेट्स के साथ, बाकी व्यूवर्स के साथ। इससे हमें बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और हमसे जुड़ जाएं, ताकि हम जो भी इन्फॉर्मेशन लाएं, जो भी वीडियो लाएं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके सैलरी रिगार्डिंग डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।